अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेहान जमाल हाजिर खिदमत है रेहान जमाल ऑफिशियल में। और आज मैं हूँ मंडी में, और मंडी में इस वक्त बर्पा हुआ हुआ तूफान। बेहतरीन जानवर देखे, जानवर खतरनाक तरीके से आ गए हैं जानवर, और लोग तालियां बजा रहे हैं। हाँ ठीक है, लोग तालियां बजा रहे हैं मुझ पे, और मुझ पे बजा रहे हैं, जानवर बजा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखें पूरी की पूरी पत्थरबंद खड़ी हुई है यहाँ पे, बजरी का ट्रक लग रहा है पूरा। इतना बड़ा जानवर मैंने नहीं देखा कभी जिंदगी में। हर चीज बड़ी है इसकी, टांगे बड़ी है इसकी, गर्दन बड़ी है इसकी, कुहान इसका बहुत बड़ा है, दुम बहुत बड़ी है, बाकी हर चीज बड़ी है इसकी। तो बहरहाल इस वक्त आप रेहान जमाल ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं अभी आगे आपसे दोबारा मिलूंगा, और आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट रहना है। बड़े जबरदस्त जानवर दिखा रहा हूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक कैटल फॉर्म है जिसका नाम है GF है, तो इसके आगे भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज आने वाली है। तो आइए मेरे साथ चलते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेहान जमाल ऑफिशियल में आज आप लोग देख रहे हैं रेहान जमाल को, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी में, कराची की सबसे बड़ी बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है यहाँ पे, जिस कैटल फार्म में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक से एक बख्तर बंदे, एक से एक बजरी के ट्रक, एक से एक बड़ी वाली बसें, और एक से एक ड्रोन यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हम कहेंगे यहाँ का जानवर। बड़े बड़े जानवर हैं, और माजत चाहता हूँ, इतने बड़े जानवर हैं कि वे बहुत बड़े हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त हनीफ भाई, और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं जो कराची मवेशी मंडी में आई हुई हैं। तो मैं आपको इस कैटल फार्म की जो है थोड़ी सी सैर कराता हूँ, विजिट कराता हूँ, और देखें यहीं से विजिट करा दूँ। ये देखें आप, ख़तरनाक काम है, ये लाल वाली या लाल वाला है, इसको कहते हैं। ये चीज़ देखें क्या है, इतना शरीफ है, आप इसको घर ले जाएं, घर में घर वालों के साथ बांधें, कुछ भी नहीं कहेगा ये। अच्छा, ये बछड़ा है, दो दांत का बछड़ा है, लेकिन देखें दो दांत में इसका वजन कितना ज़्यादा है। और एक से एक यहाँ पे चीज़ें, और यहाँ पे जिस तरह जानवर मौजूद हैं, एक से खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। और हमें सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो इस बात की कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। तो मैं सबसे आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा, और इस वक्त मैं इस काजी जो है कैटल फार्म है ये, और इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। देखें ये जानवर देखें आप, ये वही जो मार रहा था, पक्की बात है। इसका नाम क्या रखा हुआ है? अपाची इसका नाम है। और ये चाची का कौन है? अपाची नाम है। अबे थूक रहा अपाची यार, थूक रहा है अपाची, और अपाची बहुत अच्छा नाम। तुम्हारा नाम क्या है? सज्जाद। बेहतरीन बेहतरीन चीज है। कितने रेट कितने हैं इसके? सेठ को पता है, सेठ को पता है कितने? आइडिया तो दो। पैंतीस लाख इसके रेट हैं, तो यकीनन ये मैं ले ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है आप, और देखें पाकिस्तान की सारी सेलिब्रिटीज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जाकिर मस्ताना, जाकिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जाकिर भाई तो इधर क्या? ये वाला मैंने ले लिया है। कौन सा वाला ले लिया? इधर आ जाए, ये ले लिया है। अच्छा, बस थोड़े से प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे घर बेचना पड़ा है। अब आप बोलेंगे रहेंगे कहाँ, तो इसके चमड़े का खेमा बना के हम पूरी फैमिली उसमें रहेंगे। घर भेज दिया ओके जी। परवेज भाई वो मेरे साथ मौजूद है, परवेज भाई का ये कहना है कि ये चमड़े का खैमा बनाएंगे, और वैसे इसके खैमे में सर्दी नहीं लगेगी। परवेज भाई ये आपने ये खैमा में मरी में बनाना पड़ेगा, और हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। ओके जी, सलीम आपने जी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं, मुझे इस फील्ड में लाने वाले, मुझे सिखाने वाले, मुझे बताने वाले, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलीम भाई यार हटी हट जल्दी सर यार। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। सलीम भाई कैसे हैं? ठीक है सलीम भाई, यहाँ आ गए हम काजी कैटल फार्म में, और सलीम भाई की सरबराही ज़रूरी है। पंखा हटा दो पंखे। सलीम भाई कैसा लग रहा है बताएं यार? ये एक से एक नस्ल का जानवर मौजूद है इनके सामने, तो मुझे तुम लोग जानवर लग रहे हैं। हाँ सलीम भाई, इंसान से ज़्यादा कीमत जानवरों की है भाई, और यहाँ आके अंदाज़ा हुआ काजी फार्म के हवाले से। काजी अस्फर, अस्फर काजी अस्फर यहाँ मौजूद हैं, और इन्होंने जो कीमतें बताई हैं और जिस तरह इनकी तरबियत हुई है, और जिस स्कूल में ये जानवर पढ़े हैं, और जो डॉक्टर और हॉस्पिटल इनके लिए मुहैया किए गए हैं, तो ये सब VIP ब्लॉक में VVIP तरीन ये फार्म है काजी। तो इसमें आइए और जानवर देखिए, और अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर पसंद कीजिए। वैसे तो क्योंकि VVIP ब्लॉक है और VIP ये। जल्दी भाई आपने लिया जानवर यहाँ से? मैंने बहुत पहले लिया था, बड़ा हो गया। देखिए ना, ये डायरेक्टली मुझ पे
एक पक्का हुड किया सलीम भाई ने, एक टॉन किया, लेकिन हकीकत बात ये एक सवाल है, ठीक है, किस्तों पे देते नहीं काजी भाई, किस्तों पे काजी भाई देना चाहिए यार, ताकि कोई मसला तो नहीं है, अगले साल तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो देखा है कि वो एक मोबाइल लो उसके बुरा अंदाजी में, हाँ हाँ ओके, वो तो अपनी खुशी से दे दे कोई। ओके जी सलीम भाई, मैंने अभी अपना चैनल लॉन्च किया रेहान जमाल ऑफिशियल के नाम से आपके पैरों के सदके, तो मेरे चैनल के लिए कुछ कहते हैं जरा, आपकी मेहरबानी होगी। भाई ये बड़ा टैलेंटेड आदमी है, टू इन वन कहा जाता है किसी भी चीज को, लेकिन ये 80 in 1 है, 80 in 1, तो इसमें बड़ा टैलेंट है। इसके व्लॉग भी देखें और इसका फन भी देखें, इसके चैनल को प्रमोट करें, हम भी प्रमोट करने इसके चैनल पे आएंगे इंशाल्लाह, और अपने हिसाब से कुछ बातें करेंगे। लेकिन बहरहाल ये हमारा बहुत पुराना बाकायदा शागिर्द है और इसकी पैदाइश मेरे घर में हुई है, और अम्मी गई भी थी वहाँ, गई भी थी पुराना पैदाइश। अच्छा अम्मी गई भी। भाई मैंने अपनी शोबिज लाइन का आगाज सलीम भाई के साथ किया, सलीम भाई मुझे लेके आए, सियाणा है, मेरी 2-3 कैसेट पहले निकली और जो मुख्तलिफ आइटम थे उसमें अदाकारों की नकलें थी, उन कैसेट से ही नकल उतारना सीखा इसे, उसके बाद उसी कैसेट में फनकार बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए भी, और परवेज भाई साथ मौजूद है, परवेज भाई रेहान जमाल ऑफिशियल आपके साथ साथ आ गया, अब अभी थोड़ा सा आवाज निकाल के दिखा दो, 2-3 लोग कोई अमिताभ बच्चन कैसे बेचेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि अजीत के शत्रुघ्न सिन्हा कैसे बेचेंगे, अबे चुप, रोगी सुखी जो मिले पेट भरने के लिए और काफी 2 गज जमीन जीने मरने के लिए, इतने बड़े बड़े जानवर दिखा रहा है, इतने पैसे बता रहा है, कैसे लूंगा मैं, पागल हो गया क्या, खामोश। जबरदस्त है, कोई और। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको जानवर चाहिए, आपको कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर चाहिए, तो काजी कैटल फार्म में आए, काजी कैटल फार्म में बहुत अच्छे अच्छे जानवर है। अरे जब जानवर खरीदना हो तो काजी कैटल फार्म में आओ, इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े, उनकी सारी चीज पैर वैर इतनी बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे, अरे हाथ काट दिए एक जानवर ने मेरा हाथ। ओके जी सलीम भाई, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सलीम शेख, आपने जिन्हें उमर भाई के साथ बहुत सारे प्लेस में देखा, सलीम भाई और सलीम भाई मौजूद है, सलीम भाई बताए जरा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सलीम भाई सब कह चुके हैं इसके लिए, परवेज कह चुका है इसके लिए, मैंने भी वही बातें रिपीट करनी होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्किस्सा मुख्तसर इतना कि बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन टैलेंटेड आर्टिस्ट, आप इसके चैनल को प्रमोट करें और जितना हो सके करें, अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करें। सनी खान लोधी भी इस वक्त हमारे फिल्म स्टार, जाकिर भाई उस्तादों के उस्ताद, जाकिर भाई की मुझे जो जगह नजर आती है ऊपर ऊपर की मैं प्यार कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं बहुत प्यार करता है, मैं जब भी कभी चूमा मैंने मना नहीं किया, मैंने अकीदत से चूमा, लेकिन इन्होंने दिल में गलत बात रखी। ओके जी जाकिर भाई, मेरे चैनल के लिए कुछ कहें और सब्सक्राइब करने का कहें। रेहान जमाल टैलेंट है, लेकिन एक बात और बता दूं कि हर आर्टिस्ट होता है उसमें बहुत सी वैराइटीज होती है आवाज़ की या एक्टिंग की, एक मुश्किल काम होता है लिखना, तहरीर करना, लिखना, वो हर आर्टिस्ट में नहीं होता। रेहान जमाल आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे जो हैं और लिखारी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, इनके कई प्ले जो हैं ARY और PTV और दीगर चैनल पर, मैंने इनके मुख्तलिफ चैनल पर इनके बड़े बड़े सीरियल चलती है, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और एंकर भी हैं, और ये जितनी भी बातें जाकिर भाई ने मेरे लिए कही हैं, जितने भी आर्टिस्टों ने कही हैं, इन तमाम बातों का सहरा मेरे भाई सलीम आफरीदी भाई को जाता है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और मैं चाहूँगा सनी खान लोधी जो हैं, जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ है जब से आए हैं, तो मैं सनी भाई, अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, हम मौजूद हैं, सनी भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ नाज़रीन, जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं उस वक्त, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि रेहान जमाल नो डाउट अबाउट इट के माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्टों ने जो अपने लफ्ज़ों का ताना बाना बुनते हुए इसकी तारीफ़ के जो लहर बांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्टी टैलेंटेड और डायनेमिक आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे मुल्क की सरजमीन जो है वो इतनी खुशनूद है आर्टिस्टों को लेके कि पाकिस्तान को हटा के वर्ल्ड में
जितने भी आर्टिस्टों के हवाले से, फनून लतीफ़ा के हवाले से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ लोग जा कर के सीखते हैं, एक्टिंग हो गई, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, पाकिस्तान में उन चीज़ों की बेइंतहा कमी है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, एंड स्पाइट ऑफ दैट विदाउट एनी यूनिवर्सिटी अगर मल्टी टैलेंटेड कोई आदमी है तो इट्स मीन दैट बाय के वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है और वो अपने फन से पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो वर्ल्ड वाइड जाकर के रिप्रेजेंट करता है। इट्स मीन कि ही इज समथिंग। सो आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट स्पेशल फॉर रेहान जमाल कि इसके चैनल को रेहान जमाल ऑफिशियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। सो लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और उनका भी बहुत ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता, यानी कि आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी निगाह रखें। थैंक यू सो वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई और जितने भी सेलिब्रिटीज यहाँ मौजूद हैं। शुमाइल है यहाँ पे एक काला नाग, मेरा दोस्त स्माइल, स्माइल काल है। नाज़रीन आपने इन्हें बोल के प्रोग्राम में देखा होगा, बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं स्माइल भाई। स्माइल भाई कैसे, यकीन करें आपको देखा, जानवर को देखते भी खुश हो गया भैया। ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने इतना कुछ हमारे लिए कह दिया। और रेहान भाई बड़े सीनियर है हमारे, और रेहान भाई जिनके फेस में रहे सलीम आफरीदी भाई, अब उनके फेस में मैं हूँ। अल्लाह पाक ने इनको भी तरक्की और शोहरत दी, इसी तरीके से मुझे भी देगा अल्लाह ताला, आपको बहुत देगा, कभी ठक के आगे कभी नहीं, मैंने मतलब बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं ओके कि रेहान जमाल ऑफिशियल में यहाँ आज सारे सेलिब्रिटीज ने मेरा साथ दिया। और एक नुकरा परवेज सिद्दीकी ने मुझे एक बात बताई, फिर ये नुकरा नहीं है, ये बरहमन है, कितने मन है तो भाई का नाजी इसको खास के भाई डॉक्टर वाक्टर को दिखाया देखे जी कितनी खतरनाक चीज है। और इतने भाई इतना खांसा है, मैं सांसें बंद हो गई है। तो कितना तकरीबन कितना गाई है भाई? पता नहीं है। तुम लोगों को क्या पता है वैसे, ये तो बताओ, सेठ ही बताएगा। अच्छा भाई कितना है खांसी साल में? 46 लाख रुपए क्या खिलाते हो उसको? डॉलर खिलाते हो? दूध खिलाते हैं, पिलाते हैं। केरा दूध पिलाते हैं, पिलाते हैं बिरयानी के सूखा दूध पिलाते हैं और फिर दूध वाला पिलाते हैं। दूध पिलाते हैं, तेल पिलाते हैं, दही पिलाते हैं। 7 साल ये भी जानो, ये तो हमने आपको दिखा दिया था भाई, मैं आपको 3 मंजिला का घर पर दिखाऊं। ये देखें, ये 3 मंजिला है और बहुत ऊँचा जानवर है। ओके जी, मैं इस वक्त आपको मिलवाता हूँ एक 3 मंजिला इमारत से। नाम क्या भाई इसका? नाम सिब्बी नाम है, सिब्बी नाम है। 3 मंजिला का ये जानवर है और इसके ऊपर खड़े होकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बल्ब वल्ब निकाल सकते हैं, घर के जाले वाले साफ कर सकते हैं, घर के पर्दे भी लगा सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है और नो डाउट ऐसा जानवर नहीं देखा अभी तक। बहुत ऊंचा है और बहुत ज़बरदस्त है। पाए देखें आप इसके माशाल्लाह। भाई कितने का ये है काजी साहब, कितने का ये? पूरे पैसों का। अच्छा पूरे पैसों का, थोड़े से भी नहीं बचेंगे या ऊपर चढ़ जाएंगे, कोई उधार उधार हो जाएंगे मुझ पर? बहरहाल बेहतरीन जानवर है और ये काजी कैटल फॉर्म का अभी तक का मैंने ऊंचा जानवर देखा ये। तो नाज़रीन देख रहे हैं आप, थोड़ा सा थो घुमाना, थोड़ा सा घुमा आगे लेके चलो, थोड़ा देखें चीज देखें आप। ओए होए 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 होए, यकीन करें ये उफ आए आए बस इधर। ओके जी ये देखें ये जानवर है और ये बहुत खतरनाक है भाई। अब ये कौन सा शॉट? ओके जी देख रहे हैं ये आ रहा, 3 मंजिला इमारत आ रही है। और बहुत खतरनाक ये जानवर है, ओ इतना ऊंचा यार, ये रो रहा क्यों है, क्या वजह है यार? अच्छा मुझे देख के रो रहा है और इनको देख के हंस रहा है यार, बहुत हंसा रहे हो तुम जानवरों को हंसा रहे हो। ओके जी ये बेहतरीन है और नाम इसका सिब्बी है और इससे बड़ा अभी तक जानवर मैंने देखा नहीं है। तो सब यहाँ पे सब इस कैटल फार्म में आए, ये VIP कैटल फार्म है। काजी कैटल फार्म में एक से एक जानवर आपको मिलेंगे, बेहतरीन नस्ल के और असल के, वो कहते हैं ना आपको जानवर मिलेंगे काजी कैटल फार्म में। तो मैं इस वक्त काजी कैटल फार्म में मौजूद हूँ, देखें यहाँ पे एक से एक देखें। ओके जी मैं मौजूद था काजी कैटल फार्म में। एक दफ़ा फिर आप लोगों से ये कहूँगा, रेहान जमाल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, रेहान जमाल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और काजी कैटल फार्म में आएँ, इन जानवरों को देखें, इन जानवरों को परचेज करें, खरीदें। और यहाँ पर ऐसा है कि आपकी रेंज के मुताबिक भी हैं, आपकी रेंज से ऊपर के भी हैं और जोड़ तोड़ भी हो जाएगा। यहाँ के कैटल फार्म के जो लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, रेहान जमाल ऑफिशियल को कॉर्पोरेट किया। तो हम अपने प्रोग्राम का, अपने ब्लॉग का यही एंड करते हैं। ये देख रहे हैं ये मंडी, ये रौनक है, अल्लाह ताला कराची की, पाकिस्तान की रौनक ऐसी बरकरार रखे। थैंक यू सो मच रेहान जमाल ऑफिशियल में, रेहान जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।